हेलो एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉगिंग कोर्स फॉर बिगनर्स, लेट्स मेक अ ब्लॉग सेक्शन। तो यार बहुत ही अच्छा जा रहा है हमारे यहाँ सेक्शन, हम काफ़ी क्लोज हैं अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो अब हमारा इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट की जो टॉप मेन्यू है उसके अंदर बेसिक पेजेस जो होती हैं एडसेंस अप्लाई करने के लिए उन्हें किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस कर लें कि कौन से पेजेस की हमें ज़रूरत है, तो हमारे पास एक हमारा या वेबसाइट अगर हम एक विजिट करें ब्लॉगर्स एजेंडा, तो उसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है हाउ टू प्रॉपर गाइड टू सेटअप साइट फॉर एडसेंस। तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ एसेंशियल पेजेस के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसीज एंड टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब है डिस्क्लेमर, भी आप लिख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी वैसी आ जाएगी। तो अगर हम सबसे पहले हमारा पेज हमारा टारगेट है वो है हमारे पास क्या कहते हैं फर्स्ट हमारा टारगेट हमारे पास आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसीज के बारे में। अगर हम बात करें तो आप सिंपली अपने डैशबोर्ड के अंदर आएंगे, पेजेस एंड न्यू पेजेस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे पेज टाइटल के अंदर अपना प्राइवेसी पॉलिसी टाइटल दे देना है। प्राइवेसी पॉलिसी के बाद आपने फिर यहाँ पे एक वेबसाइट का आपको यूआरएल मिल जाएगा रिसोर्स सेक्शन के अंदर, आपने सिंपली उस सारे प्राइवेसी पॉलिसी को कॉपी कर लेना है, कॉपी पेस्ट ही करना है, कोई आपने चेंज नहीं करनी। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ दो तीन चीज़ें जो चेंज करनी है, आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। मैं आपको कहूँगा कि कंट्रोल वी करें डायरेक्ट, और आपने जो यहाँ पे ये यूआरएल है अपने वेबसाइट के यूआरएल से रिप्लेस कर देना है। इसे रिप्लेस करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे कुछ नाम है, तो आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो नेम है वो आप लिखेंगे। तो मैं यहाँ से अपना नेम भी डायरेक्ट यहीं से कॉपी कर लेता हूँ यार, ईजी यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं। सॉरी, कंट्रोल जेड करेंगे आप, थोड़ा सा आप अगर दोबारा चलते हैं अपनी, आप इसकी जगह कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो एकदम से पेस्ट होगा। और आपने थोड़ा सा नीचे चलना है, देखते रहना है कि कहीं पे किसी और का नाम तो नहीं है। आप चलते जाएंगे नीचे कॉन्टैक्टस, और यहाँ पे है यू आपने दिस ये एक और यहाँ पे आ रहा है कि कहाँ से जनरेट किया, आपने इसे भी रिमूव कर देना है। और लास्ट अपडेटेड डेट को चेंज करके करंट डेट के ऊपर ले आना है जब हम ये अपलोड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इस वक्त आप देख सकते हैं जैसे कि कौन सा डेट चल रही है, हमारे पास मंथ है मई 2019, तो मई 20th है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मई 20th 2019। तो हमारे प्राइवेसी पॉलिसी आ चुकी है, आपने ऑप्शन के अंदर डोंट अलाउ कर देना रीडर कमेंट्स, बस आपने ये चीज़ चेंज करनी है। और उसके बाद अब आपने यहाँ पे पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली 2 सेकंड वेट करना है। 2 सेकंड वेट करने के बाद जब ये पब्लिश हो जाएगा तो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से लगेगा। आपने सिंपली व्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ से व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आपकी प्राइवेसी पॉलिसी आ जाएगी आपकी वेबसाइट की। तो अब आपने सिंपली क्या काम करना है, इस यूआरएल को कंट्रोल सी करना है, अपने लेआउट सेक्शन में चले जाना है। लेआउट सेक्शन के अंदर जाने के बाद आपने सिंपली ना जो टॉप मेन्यू है इसको थोड़ा चेंज करना है। टॉप मेन्यू के अंदर हम अपना ऐड करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी, पहले ओल्ड आप सारे डिलीट कर दें, प्राइवेसी पॉलिसी लिखें, और आप यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसीज़ के नाम से लिखें और इसे नीचे पेस्ट कर दें। ये इस बटन से नीचे चला जाता है, इस बटन से ऊपर आ जाता है, तो आपने इसे सेव कर देना है। तो 2 सेकंड वेट करेंगे, थोड़ा सा लोड होने में आ रही है, टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा सा वेबसाइट आपकी सेव हो रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होती है इसके अंदर। जैसे ही हो जाता है हम अपनी वेबसाइट के होम के ऊपर चलते हैं, होम के ऊपर चलते हैं तो आप देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसीज आ चुका है। और एक और चेंज जो आप नोट करेंगे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर सिर्फ ये आर्टिकल लिखा, तो ये 2 आर्टिकल मैंने इसके अंदर पब्लिश किए हैं वेबसाइट को थोड़ा सा लुक सही करने के लिए, और एक मेन्यू भी बना दी टेक्नोलॉजी इसके अंदर, ये दोनों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे आर्टिकल को पेस्ट किए हैं। तो दूसरी चीज़ अब हम करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज हमारे पास डन हो गई हैं। सेकंड चीज़ जो हमारे पास होती है कॉन्टैक्टस, कॉन्टैक्टस के 2 चीज़ें होती हैं, या तो अब आप कॉन्टैक्टस के अंदर इस तरीके से एक बना सकते हैं, इस तरीके से कहते हैं HTML के अंदर, लेकिन मैं कहूँगा आप इस तरह से ना बनाएं अगर आप न्यूबी हैं अगर आप, तो आप कॉन्टैक्टस के लिए सिंपली आप बना दें, अपने पेजेस सेक्शन के अंदर जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या लिखना है। न्यू पेज जाना है, उस न्यू पेज को नाम देना है आपने कॉन्टैक्टस का, और यहाँ पे आपने लिख देना है यू कैन सिंपली कॉन्टैक्टस बाय विजिटिंग आवर, क्या कहेंगे, बाय विजिटिंग आवर, विजिटिंग नहीं लिखेंगे, बाय जस्ट लिखते हैं, बाय जस्ट मेलिंग अस ऑन आवर मेल एड्रेस गिवन बिलो। सिंपल सा आप ये लिखें, और इसके बाद यहाँ पे आप लिख दें मेल, और यहाँ पे आप अपनी मेल लिख सकते हैं, मेल जो भी आपकी है, मैं अपनी ये बिजनेस मेल लिख देता हूँ यहाँ पे। अब आपने मेल के क्या करना है, मेल को थोड़ा सा आपने यहाँ पे हेड कर देना है हेडिंग के तौर के ऊपर, और आपने सब का फॉन्ट एरियल कर देना है, एरियल के बाद आपने इन्हें थोड़ा सा लार्जर कर देना है, और जो ये मेल है इसको आपने अंडरलाइन कर देना है, सॉरी सिर्फ मेल को अंडरलाइन करना है,
और मेल को अंडरलाइन करने के बाद आपने सिंपली से कर देना है ऑप्शन के अंदर जाके डोंट अलाउ रीडर कमेंट को हमेशा करना है, क्योंकि पेजेस इसके अंदर कोई कमेंट ना करे इसलिए ये ज़रूरी होता है हमारे लिए। आप वहाँ पे रिफ़्रेश कर लेते हैं, हम इसे रिफ़्रेश करने के बाद आपने कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है, व्यू व्यू के ऊपर जाके आपने यूआरएल कॉपी कर लेना है, फिर आपने सिंपली अपने लेआउट के अंदर जाना है, लेआउट के अंदर जाने के बाद आपने मेन्यू के अंदर जाना है और फिर एक नया ऐड करना है जिसे आपने नाम दे देना है कॉन्टैक्ट अस। तो आप इसे ऐड करेंगे, आप इसे होम से नीचे रखें, सेव कर दें। सेव करने के बाद आपने थोड़ी देर वेट करना है और फिर आप अपने होम के ऊपर आएंगे लोगों के ऊपर क्लिक करके, तो वो देख सकेंगे कि हमारे पास अपना होम भी आ चुका है सेक्शन कॉन्टैक्ट अस प्राइवेसी पॉलिसीज। डिस्क्लेमर की भी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, आपको इस लेक्चर के रिसोर्स सेक्शन के अंदर हर चीज़ मिल जाएगी, प्राइवेसी पॉलिसी का भी आपको टेक्स्ट फाइल मिल जाएगी, डिस्क्लेमर की भी टेक्स्ट फाइल मिल जाएगी। डिस्क्लेमर के अंदर आपने सिंपली तीन चार चीज़ें होती हैं, बस आपने ये कॉपी कर लेनी है, आप सिंपली उसे कॉपी करेंगे। मैं एक वेबसाइट से कॉपी करूँगा क्योंकि मैंने अभी वो रेडी नहीं किया, लेकिन जब ये लेक्चर अपलोड होगा तो आपको रिसोर्स के अंदर हर चीज़ वो मिल जाएगी। दोबारा आपने पेजेस के अंदर जाना है, पेजेस के अंदर जाने के बाद आपने दोबारा सॉरी न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है। न्यू पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे वो उसे पेस्ट कर देना जो आपने रूल्स बनाए हैं। मैं सबको उड़ा के कंट्रोल शिफ्ट वी करूँगा और यहाँ से स्पेलिंग थोड़े से हैं इशू, इसे स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का नाम लिखेंगे प्रो टेक्नो गेमिंग, क्वेश्चन मार्क रिमूव कर लेते हैं और हमारे पास हमारे डिस्क्लेमर आ गए हैं। तो अब आपने सिंपली दोबारा जाना है ऑप्शन के अंदर और डोंट अलाउ कमेंट को कर देना है, इसको नाम भी दे देंगे डिस्क्लेमर का और इसे बाद पब्लिश कर दें। पब्लिश करने के बाद आपने फिर इसके व्यू के ऊपर क्लिक करना है और जो ये लिंक आ जाता है आपने इसे कॉपी कर लेना है, थोड़ी सी आपने वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि डिस्क्लेमर हमारे पास आ गया, हम आपने फिर होम के ऊपर चले जाना है, यहाँ से फिर आपने लेआउट के ऊपर जाना है। सिंपली लेआउट के ऊपर जाने के बाद दोबारा मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपने उसे डाल देना है और यहाँ पे इसे टाइटल हम दे देंगे डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर का टाइटल देने के बाद आपने डिस्क्लेमर को कॉन्टैक्ट अस से नीचे रखना है हमेशा, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना कॉन्टैक्ट अस हमारे पास ज़रूरी है। तो अगर हम दोबारा आर्टिकल के अंदर जाएँ तो हमारे पास अबाउट अस के अलावा हर पेज आ चुका है, कॉन्टैक्ट अस प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन स्लैश डिस्क्लेमर भी हमारे पास आ चुका है। वेबसाइट को रीलोड कर लेते हैं हम, इसी को चेक करने के लिए कि हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे कि मुझे डिस्क्लेमर के ऊपर क्लिक करना है तो मैं डिस्क्लेमर के ऊपर क्लिक करता हूँ, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। प्राइवेसी पॉलिसीज़ के ऊपर जाना है तो मैं क्लिक करूँगा तो देखें हम प्राइवेसी पॉलिसीज़ के ऊपर आ गए हैं। और अगर मुझे कॉन्टैक्ट करना है किसी से तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर भी आ सकता हूँ। तो अब हम दोबारा चलते हैं और लास्ट चीज़ है अबाउट अस। अबाउट अस के अंदर मेरा जो सबसे आसान तरीका है, आप अपना पेजेस वगैरह के ऊपर बनाए, न्यू पेज के ऊपर चले जाएँ और वहाँ पर आप अपने सबसे पहले तो लिखते हैं अबाउट अस, यहाँ पे भी आप लिखते हैं अबाउट अस सबसे पहले लिखते हैं और दो हाइफ़न डाल लें और इसे आप कर दें लार्ज इटालियन और बोल्ड। इसके नीचे आप दोबारा जाएंगे तो आप हर चीज़ को दोबारा नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल यहाँ पे फिर आप लिखना शुरू करेंगे दिस वेबसाइट इज ऑल अबाउट गेमिंग एंड टेक्नोलॉजी, हियर यू विल फाइंड ऑल ऑफ द लेटेस्ट न्यूज गोइंग ऑन going on live in our gaming and technology field. अब फिर आप लिख देंगे we always make sure to provide 100% confirm news टू आवर विजिटर्स। तो इस तरह की आप छोटी मोटी लिख देंगे और उसके नीचे फिर आप लिख देंगे मेक श्योर, कोई इसी तरह लिख देंगे मेक श्योर टू कॉमेंट इफ यू नीड एनी टाइप ऑफ स्पेसिफिक आर्टिकल और हेल्प रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग इशू। तो अब आप इसे सिंपली पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे, पब्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद आप सिंपली वही स्टेप करेंगे सेव करने के लिए कि आप इसे F10 से सेव कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।